एवरीवन, मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने अपना ब्लॉग सामने स्टार्ट किया है क्योंकि आज ही हमारे सोसाइटी में होली का दहन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल होगा होली, तो हम लोग खूब मस्ती करने वाले होली में। तो उससे पहले आज हम लोग जा रहे हैं, अभी होली का दहन जो होता है उसमें सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं कि कैसे होता है। पिछले बार तो बहुत मज़ा आया था, बहुत मस्ती किया था हमने, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ था होली का दहन का, और इस बार भी होने ही वाला है फॉर श्योर। तो मैंने आज ये रेड सूट पहनी है थोड़ी बहुत, मैं सोची तैयार भी हो जाती हूँ और थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों क्यों ना मैं आप लोगों को भी अपने सोसाइटी का होली का दहन दिखाऊं, और वहां से आने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना दही वड़ा, जो कि मैं बनाने वाली हूँ अपने स्टाइल से। तो वो भी मैं आपको जरूर, से पहले मैं लेके चलती हूँ आपको अपने सोसाइटी। तो चलिए, और हमारे सोसाइटी में जो है वो बैक साइड में होली का दहन होता है क्योंकि अगल बगल की स्पेस नहीं है होली का दहन करने के लिए। तो जो बैक में थोड़ा बहुत स्पेस है तो वहां पे होलिका दहन होगा। तो चलिए फटाफट से लेके चलती हूँ मैं आपको। तुम नहीं चलोगी मेरे साथ, मम्मा के साथ तुमको नहीं चल, तो जल्दी जल्दी चलो, कम 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 वापस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब हम चलते हैं, ठीक है, लेट हो रहे हैं हम। चलो डील नहीं है। हैप्पी होली कर रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अच्छा नीनू आई क्या, अभी सुलाते चल, अभी ही बना रहे, जल्दी सुला। सांस होती है ये, एक बार सो के फिर दोबारा उठेगी फिर सोई। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। दो आदमी ठंडाई की मैं बना। हैप्पी होली, हैप्पी होली, थोड़ी थोड़ा सा लगाऊं क्या, इतनी में क्या? हाँ ना ना नहीं अभी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, ठीक से लगाना। विकास जी मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा रुकिए, मैं एक मिनट और, मेरे ठीक से लगा, ज्यादा नहीं है, हम उतना वेस्ट नहीं करेंगे। हैप्पी होली, 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 हैप्पी होली,
मैं लगा रही हूँ गला फूल हैप्पी होली वो तो मेन है कि इधर इकड़े आ इधर सेल्फी क्वीन भी है माया हाथ पे आप रखे हो बजाओगे भी तो बजाओ तो बजाए तो तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ होली का दहन देख के खूब सारा गुलाल वगैरह खेल के तो बहुत मजा आया। मेरी फ्रेंड्स लोग भी आए थे तो हमने बहुत गुलाल खेले तो एक तरह से आप बोल सकते हो छोटी होली जो है वो आज हमने मनाई है तो कल फाइनली हमारी बड़ी होली होने वाली हम खूब मस्ती कर तो मैं तो गई थी तैयार होके और आई हूँ भूत बन के। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कलर वगैरह भी रखा हुआ है कल के लिए तो देखते हैं कि हम लोग बच पाते हैं कलर से कि नहीं, क्योंकि कलर अगर लग जाए तो बहुत टाइम लग जाता है उसको निकालने में। गुलाल तो ठीक है लेकिन रंग तो भाई जल्दी आसानी से जाते नहीं रहता है तो देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल तो अभी जा रहे गुलाल लाने के लिए तो मैंने जो है अपने फेस पे से गुलाल निकाल दिया है तो ये तो ईजिली निकल गया लेकिन कलर रहता तो नहीं जाता तो कल का वेट है, कल देखते हैं क्या सब होता है। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग गुलाल लाने के लिए, उसके बाद आके जो है वो दही वड़ा वगैरह बनाएंगे। कल का जो है प्रिपरेशन थोड़ा बहुत करके रख लेंगे, थोड़ा बहुत कल करेंगे जिससे कि अच्छे से होली भी खेल पाए और जो है आधा काम जो है हमारा डन भी रहे कल का। तो इसीलिए अभी निकलते हैं, अभी फिलहाल गुलाल लेके आएंगे और उसके बाद आगे का कुछ काम करेंगे। अच्छा वाला लोगे ये बहुत बड़ा ही हुई, इतना बड़ा वाला मतलब इतना बड़ा वाला कैसे लोगे? चला भी ये तो है ही तुम्हारे पास, सेम है तुम्हारे पास है ये वाला। अरे सेम है ये, लास्ट ईयर लेके गई थी ये सेम मैं तुम्हारे पास। इसके अलावा कुछ और लो, ये भी है तुम्हारे पास, छोटा लो ही हो जितनी बड़ी तुम हो। आती हूँ, ओके आती हूँ आती हूँ। ये वाला कितने का है गुलाल? ये वाला बड़ा पैकेट हैंडी रहेगा वो पकड़ने में। चलो लेते हैं, यू आ जाओ ना, ले रहे हैं बेबी। मैं लूंगी ना, मैं खेलूंगी। कलर वगैरह भी है ना, ये सब कितने का है कलर? पिंक कलर। ये कितने का? 35। ये सब पिंक है और ये सब पिंक है, पूरा पिंक ही है। हो गया, ले लिया ह्यू, हो गया। पिचकारी बचा हुआ है, रुको लेते हैं। कितना बड़ा? इतना बड़ा पिचकारी लोगे तुम? ये तो ये पूछो तो ठीक है, ये वाला। ह्यू चले आप, हो गया। हाँ बोलो, ये एक तो है हमारे पास, हो गया। ह्यू तोरी बुक जा रहा है तो फाइनली रात के बज गए 12, खाते पीते बहुत लेट हो गया शॉपिंग से आते आते और आ गई हूँ मैं अब किचन में और मैं अभी बना रही हूँ दही वड़े कल के लिए। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है तो मैं फटाफट से जो है वो दही वड़ा डालती हूँ और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना दही वड़ा निकाल दिया है और एक और बार मैंने इसमें डाल दिया है तो मुझे बहुत सारा दही वड़ा बनाना है और रात के बज गए हैं 12।
तो मैंने अपना कपड़ा भी चेंज कर लिया है और देखती हूँ कि कितना और टाइम लगता है। मुझे लगता है कि हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा दही वड़ा बनाने में। कल टाइम नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग कल जाएंगे होली खेलने के लिए, तो फिर इतना सारा प्रोसेस करो क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी लेट से नींद आती है, 1-2 बज ही जाते मुझे नींद आते आते। तो मैंने सोचा कि दही वड़ा ही बना लेती हूँ। दाल भी फूलने के लिए मैंने डाल ही दिया था और अभी मैं फ्रेश भी हो गई, पूरा कलर लगा हुआ था, बाल में भी है ही, तो मैंने बाल को धोया ही नहीं क्योंकि कल भी धोना है। तो जल्दी जल्दी से मैं जो है अभी दही वड़ा बनाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे सुबह में और वहाँ का दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे जो है हमारे सोसाइटी में लोग होली खेलते हैं। बैक साइड में ही अगेन हम जाएंगे, वहाँ पे होली खेलेंगे और घर में कल कैसा बनता है वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल मैं दही वड़ा पे फोकस करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो मेरी दही वड़ा जो है बहुत सुंदर बन के निकल रहा है और यहाँ पे मैंने जो है दही वड़ा के लिए मसाला तैयार करी है, स्पेशल मसाला जो कि मैं हर बार बनाती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर कल टाइम मिला तो। और इसके बाद यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया, इसमें नमक और मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैं दही वड़ा को इसमें डिप करूँगी और निकालते जाऊँगी। तो सुबह हो गई है और मैं देख रही हूँ अपने दही वड़ा को, तो क्या खूबसूरत लग रहा है फूल के। तो ऑलमोस्ट जो है 2-4-5 घंटे ये पानी में रहा है और बहुत ही अच्छे से ये घुल गया है और एकदम सॉफ्ट दही वड़ा जो है हमारा वो बन के तैयार हो गया, एकदम सॉफ्ट है। तो अब मैं इसको जो है पानी निचोड़ के और इसमें सारे को रख लूँगी और इसके बाद जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जा रहे हो आप लोग? अरे मैं भी यही कर रही थी, दो ही है हमारे पास। डिशू का फोन वहाँ पे व्यवस्था कर देंगे। चलो है यहाँ पे जी, अभी वो गेट बंद। हाँ